सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के अजकिस नशस्तस मज तुह सारे वन वाले इस्तकबाल तो खैर मकदम वच वंज टीम गुड मॉर्निंग जे एन के तरफ रिजरच रहम उम्मीद तो बारगाह रब्बुल आलमीनस मज खालिक समावात वल अर्द मुनवर करान शमसो कमरस यही दुआ कि सान जिंदगी सान मामलातन मज तन हमेश नूरान तमसी परवरदिगार सुंद आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन इमवी दुआ सो अजक प्रोग्राम शुरुआत। आज जुमहुक मुबारक तो मुतबरक दुआ सान तरफ यही इस्तदा कि यह रबत यानी यह गुड मॉर्निंग जे एन के रबत अह दरमियान अत करो दुआ तो बेम सन मामल इनफरदी मामल तिमन मज तैव जरूर पन्न दुआन मज शामिल। नाजीन जुमे किस मुबारक दुहस सज 23 अगस्त 2024 आज खास दुह। क्या यह खास दुह? अत कथ बात मज यस बह जोड़न पन सी मेजबान ये मे सज रोज बह तुह मेजबान नियाज भट्ट तो मे लर लोर मोन खैर खा बो माजिदुल खैर। बस अर्ज करान आज खास जुमा मगर आज 23 अगस्त 2024 तो आज कुछ बिल्कुल। नाजरीन आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस बर आदाब। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। तो मैं न्याज भाई की बात पे आ जाता हूँ। आज का दिन जो है तारीखी लम्हे को यादगार बनाने का दिन है। जी हाँ नाजरीन, आज ही के दिन इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून एंड द 1st कंट्री टू लैंड ऑन द साउदर्न सोलर रीजन ऑफ द मून। जी हाँ, आज पहला कौमी खलाई दिन है, 1st नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी मून पे, आज के दिन को 23 अगस्त 2024 को पहला कौमी दिन नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाता है। एक ऐसा दिन है जिस दिन हम इस चीज़ का जश्न मनाते हैं कि किस तरीके से खलाई तहकीक में जो कारकर्दगी रही है उसका जश्न मनाया जाता है। जब हम छोटे सैटेलाइट लॉन्च से लेकर आप इंसानी खलाई परवाज़ों की मनसूबाबंदी के सफ़र पर गौर किया जाएगा। एक ऐसा सफ़र जिसमें जिद्दत, इस्तिकामत और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया गया है। और ये सफ़र जिसका आगाज़ तकरीबन चंद्रयान 1 2008 में हुआ था और 2024 में इसकी जो सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग हुई वो हुई। और इस साल का जो न्याज भाई मैं अपने नाजरीन को बता दूं, एक ख़ास थीम के तहत भी इस पहले नेशनल स्पेस डे को मनाया जाता है जिसका थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। आप क्या कहते हैं जिंदगियों को छूना? बिल्कुल, चांद को जब छुएंगे तो जिंदगियों को भी साथ साथ छुएंगे। मैं यही कहूँगा युति युद्ध का मिशन चुना नाजरीन गसन तो पक्ष में पेवान याद युति इंसान की वसत कि इंसान कितना आला साख्त सच अल्लाह ताला बनोमत तो मे अल्लामा इकबाल नक्शेर पेवान याद कि अरूज याद में खाकी से अंजुम सहम जाते हैं, अरूज याद में खाकी से अंजुम सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। यकीनन युति चंद्रयान 3 कथ कर यह संग मील यह फलकियात या नेशनल स्पेस रिसर्च अत मे बिल्कुल संग मील तो ओतथ तम वातन इंसान सोच दारा यह तब्दील गसान पत् चूंकि रिसर्च या कहीं बड़ कह रिसर्च गसान अत पथ लगातार मेहनत इत कन माजिद उस फरमान कि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 तो पत् चंद्रयान 3 तो अत पथ अच्छा बसान यह बड़ छलांग बोड़ कदम मगर अत बड़स अकिस कदमस सास बदन लच बदन लूकन रिसर्चन साइंटिस्टन तो बाकी यम त महरात तिमन हिंस जबरदस्त मेहनत आसान डेटा एनालिसिस आसान कर्म हर कह चीज आमुद बड़ बारीकी सान आमुद कर पत ये अत बड़ कामयाबी मिलान यह इंसानस अकिस तथ मकामस पे वातान यथ मकामस पे अल्लाह ताला अमिस पत पट यसान क्या अल्लाह ताला फरमान कि मे यह इंसान आला साख्त बनोमुत तो मे पे याद अस ब्रोह प्रोग्राम वछान यमी दूरदर्शन के हवाले तथ सिंधबा तथ मक मिस्र कि इंसान है वो ताकत सब पे करे हुकूमत। और ये वह आज आसान ना जब ये चंद्रयान ऊपर जाता है ये वारिया सैटलाइट्स या बाकी मिशन ती ग फलकियात मज नचान आसान पत आसान पजिक पट तारकन हज महफिल ये लगान आसान पान वन कथ करान कि यह कमजोर तो हकीर इंसान 5-6 फुट कद बिल्कुल नौतवान इंसान आंख में आंख मिलाता है। और ये हमारे लिए बायसे फख्र है, खास कर खतर यानी पूरे दुरुस्त मुल्क अमे खतर यह सठा मुबारकबादी हिंज कथ। तो आज माजिद सोबन फरमो कि आज गोडनुक नेशनल स्पेस डे यानी तुह सारे दुरुस मुल्कस तो दुरुस इंसानियत यह नेशनल स्पेस डे मुबारक क्या युथ इस कह बड़ तब्दीली अगर इन चीजन मज जरा पथ गो हिस्ट्री मज युथ आइजक न्यूटन या एल्बर्ट आइनस्टाइन या गैलीलियोन कह चीज अचीव कोर तम सदले दुनिया सोचन सोरी जावी इथे कन युथ नेशनल स्पेस डे मनावो अम बदल स्टूडेंटन हूं सोचन जाय तहकीकस मज ज्यादा योर तो इंसानियत यी ज्यादा फायदे तवहमात मज बिल्कुल गिरम कि शायद फल्कियात तो इन चीजन मज सोन तकदीर बदलान अ अल्लामा इकबाल सुन अख मिस्र की सितारा क्या मेरी किस्मत मेरा हाफिज़ साथ नहीं दे रहा है कि यह पान गर्दिशस मज अत और आज हम इनके दरमियान बैठे हुए जिसमें हम ये कहते थे कि सितारे हमें तकदीर डिसाइड करते हैं, आज इंसान वहां पर खैर। और साथ साथ में ये जैसे आप कह रहे थे कि अब जैसे हम पहले मंगलयान की बात कर रहे थे, चंद्रयान की बात कर रहे और आगे अब बात चलेगी गगनयान, ह्यूमन सैटेलाइट्स को मून पे भेजना है इंसान के लिए, वो बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज के लिए मकसरन वनो ये कत कि इंसान कर ईस तरक्की खाना बदोश यथ जमीन पे तो वन ये ाना मार्सस पे हसा बना बह गर खैर अमिक फायदे ये कि तम सुबह सुबह मौसम वातान यह सैटेलाइट फायदे तो बह वन अमुक फायदे तुलो हाँ बिल्कुल जी। आज जो महकमे मौसमियात से मौसम के हवाले से जो पेशन गोई है श्रीनगर में जो है मतलब जो है साफ रहेगा, दर्ज हरारत जो ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से ट्रैफिक के अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते हैं। आज NH44 श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों को एक टाइमिंग इजरा की गई है। गाड़ियों को 6 से 11:30 बजे तक मीना मार्ग से श्रीनगर के लिए चलने की इजाज़त होगी। वहीं गाड़ियों को 1:30 बजे से 7 बजे तक सोनमर्ग से करगिल चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। मज़ीद अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरात पर रबता करें या जो एक्स हैंडल है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट पर उस पर भी लेटेस्ट अपडेट चेक करके ही सफर के लिए रवाना हो। जी मौसम के बारे में जी मौसम का बता दिया आपने बोल दिया। खैर इस वन कत कर तब्दीली ये दुनिया मजान एक किताब हूं जिक्र कर बह ये आप सब ने वो उस पर आपकी नज़र गई होगी द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड माइकल एच हार्ट तमो तथ तब्दीली मो तुम रैंकिंग कर्म तथा रैंकिंग मज अल्हम्दुलिल्लाह गोडनिश रैंक गोडनिश पोजिशन तमो थोमस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम पे आइजक न्यूटन तम पे साइंटिस्ट तथ मज सह कि इन्फ्लुएंस किस सोसाइटी करान ये मोन गर्ज ये कि अगर वो ना दुनिया मज सारे खुद बड़ तब्दीली यम इंसान सोचन जाविये तब्दील कोर सू जात पाक हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मालूम कि जुमा दोस ये मामूल आसान कि अत कामिल इंसान खैरुल बशर शाह कौनैन शाह मोहतशम इहंदिस मोहब्बतस मज इहंदिस मवदतस मज तिहंदिस हुजूरस मज तोहफतन कलाम पेश करान नातिया कलाम। आज ते करो अस नातिया कलाम नाजरीन असन यही उम्मीद कि लबो अमि मज फज तुह ते लबिव फज वलिव बोजो ये नातिया कलाम मोहब्बत सान मवदत सान तो वुछान रूजू प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जैन मोहम्मद मोहम्मद शिलुक सबज़ारा मोहम्मद मोहम्मद दिलन हुंद करारा मोहम्मद मोहम्मद वसफ चंद मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन वसफ चंद मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन मुदस्सिर यासीन ये क्यों शूबिदारा मोहम्मद मोहम्मद इक्यु बिदारा मोहम्मद मोहम्मद दिलंद करारा मोहम्मद मोहम्मद सुअर्दे कुरैशी सुमकीत मदहनी सुअर्बे कुरैशी सुमकीत मदहनी सुमकीत मदनी कुनी ताजदारा मोहम्मद मोहम्मद कुनी ताजदारा मोहम्मद मोहम्मद दिलंद करारा मोहम्मद मोहम्मद छुजिबरील तिमसी करांदर बहनी छुजिबरील तिमसी करांदर बहनी करांदर नामदारा मोहम्मद मोहम्मद इक्यु नामदारा मोहम्मद मोहम्मद दिलंद करारा मोहम्मद मोहम्मद शिलुक सबज़ारा मोहम्मद मोहम्मद दिलंद करारा मोहम्मद मोहम्मद नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। आज का जो स्पेशल डे है एंड फर्स्ट नेशनल स्पेस डे है, आज के दिन हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर पॉसिबल हो तो अपने बच्चों को प्लानिटोरियम ज़रूर दिखाए, जहाँ पे एक थिएटर होता है जहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरीके से मून, स्टार्स और जो ये पूरा एस्ट्रोनॉमी का सफ़र है वो दर्शाते हैं। प्रोग्राम में आज इसी दिन के हवाले से बात करेंगे। खुसूसी मेहमान को भी हमने मदू करा है, लेकिन अभी रुकते एक तजारती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आपकी आज के मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग जैन। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। नाज़रीन तो शूशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के वक्त वोत मेहमान सहित मुलाकात करना जित कन माजिद सोबस गोड़े फरमान कि करो आज अथ मौजूस पे करो बात। और आप ये भी फरमा रहे थे कि प्लानिटोरियम, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी यहाँ अवेलेबल है नहीं। लेकिन अब ये गुजारिश कर सकता हूँ कि चिनार बुक फेस्टिवल में इसरो की तरफ से एक फोटो एग्जीबिशन है, वहाँ अच्छी फोटोग्राफ्स है। वहाँ अगर आप अपने बच्चों को ले जाना चाहते हो, एसकेसीसी में अभी 2 दिन और है, आज 23 है, कल 24, 25, 3 दिन अभी और है, तो वहाँ बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स और जो इसरो की जो एडवांसमेंट्स है, उनकी अचीवमेंट्स है, उनके बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफ्स है, वो ज़रूर दिखाइएगा अपने बच्चों को। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे नेशनल स्पेस डे। अस करो ये सेलिब्रेट मतलब चूंकि वन कि यह अक्स सान समाजुक तो ये तेज आज यही कोशिश कर्म कि करो सेलिब्रेट तो यह सेलिब्रेट कर खतर यह जशन मनाने खतर सान वादी हिंद मशहूर मारूफ मुदर्रिस प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिशियन बह वन माहिर फल्कियात अस तशरीफ फरमा तमें अलाव तम अहम जहज शख्सियत रजिस्ट्रार तो कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंद डॉक्टर नसीर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम तुहद सठा सठा इस्तकबाल यथ प्रोग्रामस तो बेस सानि तरफ तो खास करित मुबारक चूंकि तुम इसरोस मज पार्ट रूदमुत तुम अत रिसर्चस मज पार्ट रूदमुत तो वनकस तुम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन या बाकिन इन काम हवाले काम कर तो यह तुम खतर अख बड़ अचीवमेंट क्योंकि तुहदिस फील्डस मज ये बड़ अचीवमेंट गि तो तुहद काम जिंदगी भर तथा सनद मिलान कि क्या तान सैक चीज कर सान तरफ तुम बे अक फिर नेशनल स्पेस डे मुबारक नियाज भाई माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इनवाइटिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। जैसे आपने बता दिया नेशनल स्पेस डे सबसे पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारी कम्युनिटी है हमारी जो सोसाइटी है उनको पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेस और स्पेस डे क्यों हम मनाते हैं देन इसका नाम क्यों दिया गया है नेशनल स्पेस डे। सर कथाकलामी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन बुछन वाले ये बड़ा शौक कि जो टून सफर आपके बारे में जानने के लिए आपका जो इससे पहले कि हम मून तक के सफर के चले आपका जो बचपन का सफर है पढ़ाई का सिलसिला रहा है मैं इसके बाद हम मैं बेसिकली आई बिलोंग टू द एरिया ऑफ द बांडीपुरा। अच्छा ठीक तो बांडीपुरा में एक जगह है टाउन में है उसका नाम है कुलूसा। कुलूसा बांडीपुरा से मेरा ताल्लुक है। मेरे जो पेरेंट्स है माशाल्लाह दोनों उस्ताद रहे हैं दे वर बोथ टीचर्स नाउ दे हैव रिटायर्ड। तो वैसे भी जो बांडीपुरा को जो आपने देखा होगा मतलब आपकी बात हम कर रहे हैं बांडीपुरा इज फेमस फॉर इट्स लिटरेसी एंड ऑल अदर थिंग्स। तो वहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम की है अप टू 12th तक। उसके बाद आई शिफ्टेड टू द कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन की। देन मेरा इंटरेस्ट था बचपन से ही टू बी अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स सो आई डिड माई मास्टर्स इन फिजिक्स। फिर जॉब भी मिला लेकिन मेरा यही था कि आई वांट टू डू द रिसर्च तो उसके लिए ताकि उसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी थैंकफुल टू माई टीचर्स थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड थैंकफुल टू माई वेल विशर्स। आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू मूव थ्रू आउट द वर्ल्ड नॉट ओनली इन द कंट्री। आई हैव बीन couple of times to China, to Europe, to Germany, to other places as well. माशाल्लाह। तो उसमें एक because research में क्या है कि आपको एक exposure की जरूरत है। जब तक ना आपको एक exposure मिलेगा अपने field में you should come to know that जो इस research में जो already रहे हैं उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा तभी आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं या दुनिया में क्या और research में ऐसा चीज है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको अंडरग्राउंड रख सकते हैं आपको इसको एक्सप्लोर करना ही करना है। यू नीड मोर एंड मोर इंटरेक्शन। तो उसमें माशाल्लाह वो पीएचडी के बाद फिर यूनिवर्सिटी में थैंक्स टू ऑलमाइटी जॉब भी मिला तो आई स्टार्ट माई कैरियर इन द यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ ही मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लेने स्टार्ट किए फ्रॉम डीएसटी से। तो लेकिन एक वो इंटरेस्ट भी था टुवर्ड्स वर्किंग विद बीइंग द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो टीचिंग और रिसर्च के साथ साथ आई स्टार्ट टू वर्क एज अ डिप्टी प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो डिप्टी प्रॉक्टर प्रॉक्टर एंड चीफ प्रॉक्टर पुलिसिंग भी की है टीचिंग भी की है रिसर्च भी कर रहा हूँ एंड इट हैज बीन अ कंटिन्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जिन स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया अभी तक आई मस्ट हैव गाइडेड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो माशाल्लाह जब मैं उनको काउंट करता हूँ ऑल ऑफ देम आर वेल प्लेस्ड। ऑल ऑफ देम देखिए स्टूडेंट को क्या चाहिए स्टूडेंट को एक गाइडेंस की जरूरत है। काम तो स्टूडेंट खुद ही देखिए स्टूडेंट तो खुद ही पढ़ेगा लेकिन आपको दिखाना है उसको रास्ता। एज टीचर यू हैव टू शो हिम द एग्जैक्ट पाथ। बेटा अगर आप ऐसे करोगे आपका टारगेट यह रहेगा और आपको यह मिलेगा। सो माशाल्लाह दोस थिंग्स आई हैव बीन डूइंग एंड आई एम डूइंग तो फख्र की बात है दैट आई एम द रजिस्ट्रार ऑफ अ वेरी एस्टीम्ड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जहाँ पे नाम है. इट इज़ नॉट ओनली इन द कंट्री, इट इज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड. बिकॉज आज हमारी पूरी दुनिया में जो हमारी यूनिवर्सिटी से अलुमनी निकल गई है, सो दे आर वर्किंग एट द टॉप लेवल पोजिशंस. कोई बड़ी बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बड़ा लंदन में कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी कुछ है, कोई बड़ा बैंकर है. सो सब ने तो यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है. जो इल्म और फजल की बात अगर यहाँ होती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर यूनिवर्सिटी की देन. ये ऐसा एक जामिया, ऐसा एक इदारा है. आज चूंकि ऐसे उस गर्ज के इस कर तुहंदि से जिंदगी पे कत मगर आज बोड़ा दौर तुहंदि जिंदगी मज नेशनल स्पेस डे यमुक तुम गोड़े जिक्र तुहद मोहब्बत झुकाव कि पे तारुफ बदल लाजो तुम गो नेशनल स्पेस डे जिक्र करो. बह कर यही गुजारिश कि सू करू तुम वन जारी थो नेशनल स्पेस डे की अहमियत क्या है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिकॉज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हमें देखते होंगे. साइंस का यहाँ पे मतलब है साइंस, इट मीन्स टू नो. आपको ढूंढना है, आपको देखना है. और अल्लाह ताला ने भी फरमाया आप इस चीज को देखो, अच्छी तरह से देखो. ये जो भी जहाँ भी बड़े जो बड़ी शख्सियतें हैं दुनिया में वो भी लिखते हैं कि अगर कोई चीज है इसको आप देखो, खींचो, इसमें निकला क्या है. तो वही है साइंटिस्ट का जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी का जो एक पहले जो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी चीज की तहकीक करना. हम स्पेस की जब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दीजिएगा. स्पेस की जब हम बात करते हैं, स्पेस एक खाली चीज स्पेस ही नहीं है. जब यूनिवर्स जब ये जो है यूनिवर्स ने जब बर्थ लिया है, ठीक है, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बच्चे की जब बर्थ होती है ना तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. बच्चे की फीडिंग, बच्चे को देखना, हाउ हिज सेहत, बाकी चीजें. ऐसे ही जब यूनिवर्स की जो बर्थ हुई है चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई है स्टार्ट. एक इज मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. सो दिस स्पेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर कंपोनेंट्स. देखिए आपके अराउंड में जो भी कुछ है दैट इज अ मैटर. मकान दैट इज अ मैटर. एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस दैट इज अ मैटर. उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इवेंट्स, व्हाट थिंग्स यू आर डूइंग. सो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विद रेफरेंस दैट इज अ टाइम. सो मैटर इज हियर, टाइम इज हियर. और जो चीज कर रहे हैं आप खुद चल रहे हैं. एनर्जी ये जो है आपके अराउंड में जो भी एनवायरनमेंट है वो खुद चल रहा है. सो दैट इज एनर्जी. उसके बाद में ये सब चीजें जहां भी है दैट इज द स्पेस. एंड ये जरूरी बोलना है कि स्पेस इज अनलिमिटेड. स्पेस में कोई ऐसा नहीं है मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा और इसको मेजर करूंगा. अब इस स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं. स्पेस में अभी आप बात कर रहे थे, स्पेस में तो स्टार्स ही नहीं है. अक्सर हमें यह पता चल रहा है अगर हम शाम को बाहर घर में बैठेंगे, बाहर जाएंगे, अपने सहन में बैठेंगे, वी विल सी टुवर्ड्स द स्टार स्काई, हमें स्टार्स ही नजर आएंगे. तो आम इंसान के जहन में यह है नीचे जमीन है, ऊपर तारे हैं, तो ये मेरी दुनिया है. ये दुनिया नहीं है. दुनिया कुछ डिफरेंट है जो नजर में नहीं आ रही है, जो अभी तक भी लोगों को साइंस अभी तक भी नजर नहीं आ रही है. उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेस. अच्छा, वो स्पेस है जहाँ अभी पहुंच भी कोई नहीं है. ठीक है. अब चूंकि हम जैसे हम बात करते हैं, हम चूंकि लाइफ की बात करेंगे, हम जमीन पे खड़ा है. सो हमारा जो अर्थ है, देन वी हैव द मून. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. देन वी हैव द सन. सो अक्सर हम बात कर रहे थे, चूंकि आज नेशनल स्पेस डे की हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी प्राउड as a country. We have to be very proud because we are one of the country now who has been who has got a big discovery while launching, having a safe landing on the moon. Duniya mein chut so rahi hai moon. So we are part of it. और मैं आपको बताऊंगा इट वाज नॉट एन इजी जॉब फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी. वी हैव टू कांग्रेचुलेट, वी हैव टू बी प्राउड फॉर दो साइंटिस्ट्स हु डिड द मार्वलस जॉब. हमारे में क्या है कि वी फॉरगेट द पीपल. ऐसा नहीं होना चाहिए चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की बात करें, बिकॉज आपको पता ही है इससे पहले चंद्रयान 1 भी था, सेकंड भी था, बट इसमें तो सेफ लैंडिंग होगी। जब सेफ लैंडिंग होगी नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अब चूंकि ये एक वो दिन है 23 अगस्त की बात कर रहे हैं जब इसकी सेफ लैंडिंग होगी। अब इस चीज को हमारा हक बनता है एज एन एकेडमिशियन, एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी कि व्हाई नॉट टू रिमेंबर दिस डे एंड सेलिब्रेट दिस डे एज ए सिटीजन। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप देखेंगे बाहर वाली सिटीज में मतलब बहुत लोग खुश हैं और अभी तक मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से दैट अभी भी हम उस चीज की वो कॉन्शियस जो होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई हमें बाहर से नहीं आएगा आपको बोलेगा ये करने को, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडे अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दिस डे इज बीइंग market as one of a very important day in the scientific discoveries of the country. मैं country की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात, ठीक है, खुसूसन की बात। इसीलिए the government of India has marked as a very memorable event as a National Space Day. और इस day में all the schools, all the colleges, all the universities, they have to celebrate this day. At least जो हमारे बच्चे होंगे, चाहे एलकेजी में क्यों नहीं हो, चाहे 10th में क्यों ना हो, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, उनको तो पता चलना चाहिए कि ये डे क्या है, इस दिन क्या हुआ था, और अगर इस दिन ये हुआ था एक एस्पिरेशन आएगी आपके। यू हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर साइट्स, यू हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर प्रोफेसर्स। वो कहाँ से आएंगे? वो तभी आएंगे ना जब आजकल के बच्चों में एक, तो इसका ये मकसद है to be excited with this moment, with the joy, with the full happiness. आपने ये जिक्र किया ना, इस पे मैं एक अपना एनेक्डोट शेयर करूंगा। रात काल उस वो पन्नी नीचे जून हावान तो पता उस ये वानान की चंद्रयान स्टोरी, चंद्रयान 3 आज ब्रो अगर इस दाहुवरी इस न्याबरील कारों इस खोज नाम होन सुनिए ब्रुचु बूत निये ब्रुचु जिन निये ब्रुचु क्या तांचे ठीक एम सिच इंसान सुनिए सोचनु कोई जाविया तब्दील का सान अगर वहीं इस इंस्टीट्यूट इसरो ठीक इसरो यूजुअली तूत फेमस कहीं आम लूकन मज कहीं तो अमिच खदमात या इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन अगर अमिच तारुफ तुह नश यो क्या तुम पन्न प्रोजेक्ट्स अत मे इसरो क्या काम रूस तो अमे अलाव चंद्रयान अलाव तह काम। देखिए मैं आपको बताऊंगा दिस इज अ वेरी प्रीमियर स्पेस एजेंसी ठीक funded by the government of India. It's called as the Indian Space Research Organization. It has a headquarter in Bangalore. Okay. जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं विद मीटिंग्स एंड अदर थिंग्स, बट देन इट हैज सब स्टेशंस। अच्छा ठीक, जहाँ पे लॉन्चिंग भी होती है। ओके ये लॉन्चिंग गई एग्जैक्टली अहमदाबाद में, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में है, अहमदाबाद में है और कई जगहों पे इनके सब स्टेशन। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो इसरो है इट हैज अ बिग साइंटिफिक कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लोगों का काम है, नहीं, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप है। इट हैज अ चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ द इसरो इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक, मीन एमिनेंट साइंटिस्ट यू कैन से दैट। अभी मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से पहले आई वाज रजिस्ट्रार ऑफ द इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम। वहाँ की जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे तो वी गॉट द फॉर्मर इसरो चेयरमैन। अच्छा, और मुझे मौका मिला उसके साथ उठने बैठने का, उसके साथ बात करने का। हमारी एक मीटिंग थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत पहले, हमने भी और एक इसरो चेयरमैन को लाया बिकॉज दे आर वेरी टॉप पर्सनैलिटी। और मैं आपको बताऊंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट दे आर सो सिंपल पीपल, कहने की बात नहीं है। उनके साथ आप बात करो ना आपको लग रहा है कि दे आर फुल ऑफ विजडम, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ मोमेंटम, एवरीथिंग इज विद देम। अब ये जो इसरो है इनका काम ही है एक जो इनकी साइंटिफिक कम्युनिटी होती है टू डू द रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा सैटेलाइट हम 24 में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि ये आज एक महीने के बाद, दिस इज अ वर्क ऑफ 4 years 5 years विच इज हैविंग बिफोर। और ऐसा नहीं है कि एक जगह काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की एक कोलैबोरेशन होती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा हम इस पर, मैं माजरत खा हूँ, इस पर ये बात हम तहफ़ुज़ में रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा हमारे यहाँ अशु लॉन्च आसान करो अखबार तो बे ये वक्फ तो इस करो ये लॉन्च मगर यह कत रोज यह अमानतस तह नाजरीन दिलचस्प कत बात करान इसरो के हवाले तो ये पे मे मेहमान रुकावन तह तो मालूम कि अच्छे वक्फ न्यून वक्फ निमो अखबारन हज सुर्खी पो तो फटाफट वापस यमो वान रूज प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जी। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन की। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नसीर इकबाल साहब, जो कि रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी हैं। हम अपने मेहमान से सिलसिले कलाम जारी रखेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त आ चला है। अब तक अखबार की सुर्खियाँ। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोजनामा, इससे खबर है 7 डेड 21 इंजर्ड एज स्कूल बस प्लंज इन टू गॉज इन लेह। LG लद्दाख अदर्स एक्सप्रेस ग्रीफ, इंजर्ड बींग ट्रीटेड DC। इसी अखबार से एक और खबर है, बैलेट आंसर फोर्सेज ट्राइंग टू डिसरप्ट पोल्स, CEC राजीव कुमार। जी, आप बात कर रहे थे, जो आपने खबर पढ़ी, जो ये सियासी गहमागमी, इसी हवाले से एक खबर है कि 23.27 लाख इलेक्टर्स एलिजिबल टू वोट इन द फर्स्ट फेज जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। इंडिया पोलैंड एग्री टू एलिवेट टाइज टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑल्सो। और एक खबर है, कश्मीर हॉर्टिकल्चर सीजन बिगिंस विद हाई डिमांड फॉर पियर्स एंड एप्पल्स, इसी अखबार से। और एक खबर है, डॉक्टर अरविंद कारवानी रिव्यूज प्रिपरेशंस फॉर कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स। मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि बादाम की दरख्त तह तेग, सेब की हाई डेंसिटी बागात करो जहान। पुलवामा में बादाम की पैदावार में कमी, महकमा बाग यानी आला कसाफत वाले अकसाम मुतारिफ करने में नाकाम। और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर है, वादी में मंकी पॉक्स वायरल इन्फेक्शन, अस्पताल इंतजामिया अलर्ट पर। स्किम मिसौरा में 6 बिस्तरों वाले खसूसी वार्ड का कियाम। मेरे हाथ में आखिरी अखबार, एम्स RML हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स कॉल ऑफ द 11-day स्ट्राइक आफ्टर द SC अपील्स एंड एश्योरेंस इन कोलकाता केस। SC आस्क्स द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स टू रिज्यूम टू द वर्क, सेज नो एडवर्स एक्शन इफ दे रिजाइन द ड्यूटी। ये थी अखबार की सुर्खियाँ। इसी तरह तशरीफ फरमा डॉक्टर प्रोफेसर नसीर इकबाल साहब, जो माहिर फल्कियात है, जो एस्ट्रोफिजिशियन है, रजिस्ट्रार भी है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। तो इसरो के हवाले बात कर रहे हैं साहब। हाँ, इसरो की बात कर रहे हैं तो मैंने जैसे बता दिया, इनके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। एक होता है रिसर्च, ठीक है, तहकीक गसान। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम बाल को उठाएंगे तो आसमान में लगा देंगे, स्पेस पर लगा देंगे। इसकी एक बहुत रिसर्च होती है, पेलोड्स बनाने कैसे बनाएंगे, उनके लिए जो मेन बेसिक साइंस है उसको कैसे स्टडी किया जाएगा, कौन से मॉडल्स यूज किए जाएंगे, ये सब चीजें करके ना एक रिसर्च एक कंपोनेंट रहता है इसमें। और इसमें एक बंदे का काम नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, देयर में भी हंड्रेड्स ऑफ पीपल हुआ रहे एंड देन इनके जो इसमें इंजीनियरिंग का बहुत एक बड़ा कंपोनेंट, इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग एंड शेपिंग द थिंग्स। सो रिसर्च मींस दैट इज द साइंटिफिक कम्युनिटी, देन द टेक्निकल that is the engineering community. So then there are directors who are you can say that they are the principal investigators of this project. वो भी supervise कर रहे हैं. जब ये सब चीजें होते हैं कभी एक सैंपल की टेस्टिंग भी होती है. When they are fully sure that now it is done and then उसके बाद they need a permission कि इसको अब लॉन्च करना है. नेचुरली परमिशन इज ऑलवेज देयर इज अ डिपार्टमेंट. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ऐसे ही सो देयर आर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स एंड वंस एवरीथिंग इज डन देन इट्स बीइंग लॉन्च. और आपको पता है देन जब लॉन्च किया जाता है देयर इज अ कंट्रोल रूम फॉर इट. और कंट्रोल रूम में आपने कभी देखा होगा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग. वो हमने वीडियोस देखे होंगे. और वो जो 100 लोग होते हैं ना दे आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड दैट इज वाई अगर हमने देखा होगा जैसे लॉन्चिंग सक्सेसफुल होती है दे स्टैंड अप एंड दे क्लैप. एवरीबॉडी सो दे क्लैप फॉर देयर परफॉर्मेंस बिकॉज दैट इज द आउटपुट व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 5 years, 10 years, so many things. So ISRO is fully involved in these things. Number 1, number 2. Then इनकी आउटरीच एक्टिविटी. आउटरीच एक्टिविटी मीन्स व्हाट दे डू फॉर द सोसाइटी. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सो वी कोलैबोरेट विद सम साइंटिस्ट्स इन द ISRO. बिकॉज ऑफ दैट वी राइट स्मॉल प्रोजेक्ट्स. वी गेट फंड्स फ्रॉम दोज प्रोजेक्ट्स. हम अपने स्टूडेंट्स को इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं. जब वो स्टूडेंट इसी रिसर्च में जाके PhD करता है सो इफ ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट ही विल गेट द जॉब इन ISRO. दैट इज व्हाट दे डू फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी as well. Third thing is that जो हमें अभी पता भी नहीं है and I am through this medium I am very happy. Yes, I am very happy to share this. जो हमारे schools है यहाँ पे +2 के उससे पहले भी जो middle school के schools है even colleges हमें पता नहीं है. We can take our students and take them to a tour to the ISRO. Show them, yes, show them what exactly is happening. If they don't know, let they approach to me. I know so many people in the ISRO. I will request them. जनाब हमारा एक स्कूल कश्मीर से JNK से आ रहा है 10 दिन का टूर है. एक दिन उनको दिखाएगा अपनी फैसिलिटी. सो बच्चे को आप जब दिखाओगे ना तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट बन जाएगी. सो दैट इज व्हाट दे डू फॉर द कम्युनिटी. सो दे डू लॉट ऑफ वर्क फॉर द कम्युनिटी. दे डू लॉट ऑफ आउटरीच. दे डू लॉट ऑफ साइंस एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कंट्रीज जिसका नाम है. सो वी आर जैसे मैंने बता दिया हमने लास्ट ईयर Chandrayaan-3 की लॉन्चिंग की है तो वी आर वेरी प्राउड. एंड मैं आपको बताऊंगा अब ऐसा है science is not being done at the regional level. Science is not being done at the country level. Science is being done at the global level. ये आफर की चीज है ना. अभी मैं जहाज राइट ब्रदर्स से बनाया तो मैं बेटा था. अब साइंस तब भी चलेगा ना जब आपकी एक यूनिवर्सल कोलैबोरेशन होगी. तो मैं फक्र से बोलता हूँ यूरोपियन जापानीज अमेरिकन दे हैव टू कम फॉरवर्ड आवर कंट्री पीपल टू हैव जॉइंट कोलैबोरेशन. अभी आप देख रहे हैं अभी हमने ISRO की वो इसकी बिकॉज ऑफ दिस बातचीत कर रहे हैं. 2016 की बात है हमने एक मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट को लॉन्च किया है. उसका नाम है एस्ट्रोसैट. I am part of it. Okay, my students are doing great work. My 3 students have got PhD on the basis of the AstroSat data. वो तो हम तो फखर के साथ कहते हैं कि सोन दिस कंट्रीब्यूशन. एग्जैक्टली. और मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोसैट के हमारे प्रोजेक्ट्स भी मिले. अवर स्टूडेंट्स आर वजह से भी मिले होंगे. एग्जैक्टली. आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग फंडिंग फॉर दैट. अब देखिए क्या है इट इज अ मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट. मल्टी वेवलेंथ में सब आपके बैंड्स आते हैं सब आपके वेवलेंथ्स आते हैं. सो पहली बार ऐसा हुआ है. अब इस एस्ट्रोसैट के प्रोजेक्ट में some neighboring countries they are part of it. They are part of it. So that means you are doing a project globally. You are not doing a project in the university in the Darga University. ऐसा नहीं है. globally है. और मैं आपको बताऊंगा जैसे for example since we are a part of an AstroSat मैंने AstroSat की बात बताई. इसका जो डेटा आता है इस डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे कैसे स्टडी करेंगे. ये नहीं है कि आपको फ्रीडम दिया जाएगा जब चाहोगे. अब एक टाइमिंग हमें मिलती है. सो वी गेट अ टाइमिंग ऑफ से 24 आवर्स. उस 24 आवर्स में माय स्टूडेंट हु इज अ पार्ट ऑफ इट विल गेट दैट डेटा. सो ऐसे ही बाकी कंट्रीज के लोग भी हैं हु आर पार्ट ऑफ इट. सो दैट मीन्स जब भी कोई हमने कोई लॉन्च किया है इट इज yes we do it at our own level in the country level then it becomes a global project. So then that means कंट्री का जो नाम है इट आउटरीच टू द ग्लोबल लेवल कंट्रीब्यूशन ये इस बात करो यो साइंस साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन छ आसान इशि पद दुरुस्त इंसानियतस खतर दवा बनाओ पूरी दुनिया फायदा तुलन जहाज बनाओ पूरी दुनिया फायदा तुलन एग्जैक्टली। और मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊंगा, हम आजकल बता रहे हैं हमारे ये जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं अभी जॉब नहीं है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। सॉरी, देखिए क्या है कि बच्चे को ढूंढना है। इफ सम स्टूडेंट हैज डन ए बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा उसको सर्च करना है। देयर आर इसरो नीड्स हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स। अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं। अब मैं ये बताऊंगा, आवर स्टूडेंट्स आर नॉट सिटल रेडी टू गो एंड वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस। जब तक ना हमारे बच्चे वो अपने वो इसके वो घर से बाहर निकलेंगे, जॉब मिलना इस कहीं भी मिलेगा। मतलब बिल्कुल ये अजीब जहनियत तो बहुत यहाँ करूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग पाँच दपान कि बह बंडीपुरा माइनिंग जैसे मैं बांडीपुरा का हूँ, मैं चाहूँगा मेरे बांडीपुरा में यूनिवर्सिटी हो तो मेरा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा घर भी था वहाँ, सब कुछ था वहाँ। वो तो पॉसिबल नहीं है, मेहनत का पॉसिबल नहीं है। बट माशाल्लाह देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज। आजकल के जो बच्चे हैं they are very serious about their future. अगर इसमें चंद्रयान 3 ये लॉन्चिंग गई तो वही सक्सेसफुल अच्छी सेलिब्रेशन अमिश करा। ये साइंटिफिक एटीट्यूड है पूरी कंट्री का, उसमें क्या तब्दीली आई मैं आपको बताऊंगा। अगेन दिस इज अ वेरी, मैंने वो इसको एक छोटा सा एक रिसर्च कंपोनेंट करके मैंने एक एनालाइज किया है। आई क्लासिफाई स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, वन कैटेगरी इज वेरी सीरियस, ठीक, second one is serious, third one is normal, ठीक, fourth one is non serious, ठीक। okay, मैंने इसको अच्छी तरह से analyze, this is my result, this is my personal result, very serious, serious, normal and non serious। जनाब अली, जो आपके very serious और serious component में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, they get excited with this Chandrayaan, ठीक है, okay, because of that they think why they will not be part of sometimes the Chandrayaan 4th 5th 6th 7th, sometime in the future, why they will not be the engineers in this ISRO, why they will not be called as the scientists, why they will not be called as the professors, ठीक है। उन्हीं में एक कंपोनेंट आपके बच्चे वो है who are then our IAS and IPS officers, उन्हीं में वो होते हैं जो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं अपने बिजनेस सेक्टर कारोबार में भी। आई कैन नॉट अंडरएस्टिमेट दैट, जो बहुत बड़ा वो काम करते हैं उसमें। लेकिन देन आपका कोई बच्चा नॉन सीरियस हो तो उसमें क्या करेंगे? आपने सही बात, जब आपने कारोबार की बात की ना, मुझे याद आ रहा है कि अस कस तरक्की करके आज चंदस पोस थी जरूरत, अस डर आसान चूर मा गि कह मा गि कैश दिमो। आज डिजिटलाइजेशन का जमाना, इस तरह तरक्की हमारे मुल्क ने कि हम किसी भी जगह जाकर अपने पैसे इस्तेमाल कर सकती है किसी भी कारोबार में। अगर साहब, आई डोंट नो वेदर आप ये पूछेंगे मुझसे या नहीं पूछेंगे, बट मैं टाइम का थोड़ा सा वो फायदा लूंगा। मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, आजकल का दौर है AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, एग्जैक्टली है कि नहीं? हमारे मैं देख रहा हूँ, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। Our स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी, आवर स्टूडेंट्स दे सर्च हमें AIML, कंप्यूटर साइंस, बाकी चीजें में कैसे एडमिशन मिलेगा। सो एक चेंज आई है, तब्दीली आई है बच्चों की सोच। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, बट यह है कि वी नीड टू बी ए वेरी कॉन्शियस सोसाइटी। माय अपील टू द पेरेंट्स इज दैट दे नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, दे नीड टू टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका बच्चा कभी खुदा ना खासा खराब हो जाएगा, आपका एक कोई वो उसके ऊपर कोई वो रहता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तब आप बच्चे को ब्लेम करते हैं। नो, एक्चुअली यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज you have not done your job perfectly. So my appeal, my request to my parents is that please take due care of your children, because this is the time जब हमें अपने बच्चों को बनाना है। Why our children cannot be the great scientists? Why they cannot be the great professors? Why they cannot contribute to the country? Why they cannot contribute at the national level? हम ये जो है यूटी की बात, कंट्री की बात, हम वर्ल्ड की बात करेंगे। जब मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं कोई सुनता हूँ फलौनी का जगह का एक लड़का ही इज वर्किंग इन यूएस, मैं बहुत खुश होता हूँ बिकॉज अल्टीमेटली फखर की बात है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स वगैरह हाल ही में आप शायद था कि उसमें बहुत इंसान इफ्तिखार महसूस करता है कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पढ़ना हम उन लोगों को भूल जाते हैं। दैट इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। वी शुड नेवर, जैसे हमने आज हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल स्पेस डे, ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज के दिन हम इसकी बात करेंगे एंड टुमारो वी विल टेक आउट फ्रॉम अवर इयर्स। सो वी हैव टू सी दैट जो हम आज सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस करेंगे अपने स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, आउट ऑफ दैट वी हैव टू टेक 10 स्टूडेंट्स एज ए सैंपल। बच्चा ये आपको करना है, आप अपना बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के बाद गो टू फलानी प्रोफेसर, ही विल गाइड यू। अगर आप इसरो का पार्ट बनना चाहते हो, सेंड देम टू मी, आई विल गाइड देम। आई विल बी वेरी हैप्पी दैट इफ पेरेंट्स कम टू मी, कंटेक्ट मी, इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद बात करेंगे क्योंकि अब तो शुमार रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी आज शुमार इसी मौके के, क्योंकि जब आपने बात की ना लॉन्चिंग की वगैरह, आपके दिल में जो मोहब्बत है उनसे स्टूडेंट्स के लिए वो झलकता है क्योंकि आपने किस तरह इसको जोड़ा। मैं चाहूँगा कि हम रजिस्ट्रार के हवाले से भी ज़रा बात करें, लेकिन आपकी इजाज़त से एक मुख्तसर सा वक्फा पहले लेना चाहेंगे, आपकी इजाज़त हो। नाजरीन गोड़ी वक्फ पात रोज़ी कथ बात जेरी विशान रोज़ी सोन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेल की। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। नाजिन तो शूशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के ऐसी ताज़ तशरीफ फर्मा माहिर फल्कियात एस्ट्रोफिजिशियन रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नसीर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब आप इसरो कथ कर चंद्रयान कथ कर अत दौरान यु कथ तुम स्टूडेंटन हज एटिट्यूडस मज तम फर्क चूंकि तुम बड़ जिम्मेदारी रजिस्ट्रारशिप जो कथ पा बह इकवटे गोडनिशी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी कित कहीं नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर कम आय कर दम कत यह कि स्टूडेंट हज बैलेंस यथ तुम गोड़े जिक्र करो ताकि तम ग कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी चूंकि सोन एटीट्यूड यह कि अस क्या मिले गवर्नमेंट नश अस क्या मिले सोसाइटी नश मगर सोन एटीट्यूड यमे आयी डेवलप कर एज ए रजिस्ट्रार कम आयु तुम करान कि बनो कॉन्ट्रीब्यूटर्स गोड़ ये कथ कि नेशनल स्पेस डे किस कम आयु तुम मनावान। We have already asked the concerned departments, particularly the science department, to have some quiz programs, have some seminars on this national space day. कोई भी प्रोफेसर होगा ही विल टॉक अबाउट, जैसे हमने यहाँ पे इसी छोटे इसी वो टाइम में हमने बात की, सो दे विल बी टॉकिंग इन लेंथ। तो देन बिकॉज यूनिवर्सिटी में बड़े स्टूडेंट्स होते हैं ना, सो देयर कैन बी क्वेश्चन आंसर अबाउट देयर कैरियर एंड अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी हाईली टेक्निकल, दैट विल बी डन बाय द यूनिवर्सिटी। इन फैक्ट आई वाज हैप्पी टू नो दैट इवन कॉलेजेस आर डूइंग इट, इवन स्कूल्स आर डूइंग इट। मैम दैट इज व्हाई वी आर दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। क्योंकि आपने रजिस्ट्रारशिप की बात की, रजिस्ट्रार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट मैं अपने आप को अफसर तो ठीक है लेकिन मैं अपने आप को एक खदमतगार मानता हूँ बिकॉज आई हैव टू बी सपोर्ट टू द टीचिंग, टू द रिसर्च, टू द स्टूडेंट्स। आई हैव टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट और वो मेरा काम है। मैं गवर्नमेंट से कैसे रिक्वेस्ट करके वो चीज़ें करूँ एंड वी आर डूइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आजकल की आप बात बताऊँगा, मतलब एज ऑन नाउ टुडे, अभी 2 दिन की बात थी जो मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर थे, वी वर विजिटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो वी हैव द अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, माशाल्लाह एक बड़ी लाइब्रेरी है। तो उनके ग्राउंड फ्लोर में हम जब गए, आई वाज सो हैप्पी। आई सॉ अराउंड 200 स्टूडेंट्स, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, स्टडिंग वेरी सीरियसली ऑन देयर डेस्क्स, ऑन देयर लैपटॉप्स, एंड डू यू नो समवन इज प्रिपेयरिंग आईएएस, समवन इज प्रिपेयरिंग केएस, समवन इज प्रिपेयरिंग नीट, नीट, हमने नीट वालों को भी अलाउ किया है। यस, समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड जीआरएफ। और स्टूडेंट्स को मैंने देखा, हाउ आर यू हैप्पी, एंड वी आर वेरी हैप्पी। कुछ थी उनके डिमांड्स, ये कुर्सी ठीक नहीं होनी चाहिए, वो हमने 2000 में थे। बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं होता था। अगर आप 5 साल 6 7 साल पहले की बात है, ऐसा नहीं। नाउ दैट इज व्हाई मैंने जो आपको बता दिया का स्टूडेंट्स कैटेगरी, दे वर ऑल वेरी सीरियस स्टूडेंट्स। उनको तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, कैंपस में रहता हूँ, मैं सुबह जब मॉर्निंग में निकलता हूँ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 6:37 कभी माँ के लिए जाता हूँ, तो ऐसा आई एम सीइंग स्टूडेंट्स जो बहुत तेज दौड़ते हैं अपने वाटर बोतल के साथ, पता है, बिकॉज दे वांट टू गो एज सोन एज अर्ली टू कैच देयर सीट। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वो 8 बजे के बाद आएंगे, इट विल बी वेरी ऑक्यूपाइड। तो हमें फखर की बात है ना, ये फखर की बात। मैं आपको इसी चीज के साथ दूसरी चीज है कि ऐड करूंगा। पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में वी आर स्टार्टिंग ए रेजिडेंशियल एकेडमी कोचिंग। ठीक, यस, ऑन द पैटर्न ऑफ जामिया मिलिया। जहाँ से जामिया मिलिया की बात करेंगे, आपके 25 IAS निकलते हैं हर बार, और रैंकिंग इस वक्त सेकंड थी पूरी यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया। तो हम वही अभी मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर वो सब उनके एग्जाम हो गए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, यूपी हैव applied to be a student। मौसम उनको अच्छा मिलेगा पढ़ाई के लिए। इट्स नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ द वेदर, एकेडमिक एक्सीलेंस। देखिए, एक इम्पोर्टेंट होता है ना, दैट इज एकेडमिक इकोसिस्टम। वो जब आपका डेवलप हो जाएगा ना, तो आपके कहीं से भी। मैं एक और अच्छी खबर यहाँ बताऊंगा कि नाउ वी आर गेटिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक, यस, सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर वेरी अवेयर, मुझे जाना कहाँ पे है। तो आपने चूंकि रजिस्ट्रारशिप की बात की थी, दैट इज माई very important priority, to work for the students, to work for the teaching community, to work for the society, to work for the public। अभी मैंने बता दिया why the school heads, I request them if they have the desire कि they want to take their students to some ISRO station and show them। मेरे पास आई, मतलब करिए दोहराव ये देखिए के अगर तुहन का स्कूल आस्ते तिम यसन ISRO स्टेशनस पे, they can contact me, I can contact them कि हमारा स्कूल एक विंटर में 10 दिन के लिए आ रहा है। ठीक है, खर्चा तो उनका खुद ही होगा, लेकिन उनको परमिशन दिया जाएगा, 1 दिन का विजिट। तभी तो देखिए, स्टूडेंट को आजकल पढ़ाना ही नहीं है इम्पोर्टेंट, टीचिंग तो आज स्टूडेंट घर में भी कर सकता है, जितना टीचर पढ़ाते हैं उससे ज्यादा आज स्टूडेंट घर में पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर गूगल एंड अदर थिंग्स। लेकिन स्टूडेंट को पाथ दिखाना, रास्ता दिखाना, उसको एनकरेज करना, उसको अच्छा बोलना कि आपको करना क्या है आगे, दैट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर। इस हवाले से जो कि आज का दिन इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रपोजल है कि ताकि बच्चों में स्पेस के बारे में ज्यादा फैमिलैरिटी और उनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है उनकी राह दिखाई जाए, कोई ऐसा प्रपोजल है? यूनिवर्सिटी में एक वो हाई कैलिबर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, आई मीन बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। इट इज नॉट नाउ, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। जैसे हमारे विंटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं प्रोजेक्ट टूर पे, और द मोमेंट दे गो टू द बैंगलोर, सो दे फाइंड एन अल्टरनेटिव टू सी द ISRO स्टेशन। कोई अहमदाबाद जाएगा तो उनको पता ही चलेगा यहाँ पे बड़ा स्टेशन है, जाएंगे। सो ये आज की बात नहीं है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर या DRDO, we have been doing it, we have been doing it all these things। अच्छा, इस चूंकि यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह काम और अच्छी रैंकिंग्स पे भी यूनिवर्सिटी आ रही है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट के हवाले से क्या कुछ काम हो रहा है? और इस हवाले से क्योंकि अब जमाना ऐसा है कि लोग काम ढूंढना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर्स में जाते। मैंने पहले भी बता दिया, अभी इस वक्त भी बता रहा हूँ कि माई स्टूडेंट हु हैज डन ग्रेजुएशन और PG जो भी कुछ किया है, ठीक, हैज टू बी रेडी टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। ये बात तो है, ये माननी है। अभी हमारी एक अच्छी कंपनी आई थी, और मैं आपको बताऊंगा 100 कंपनीज हैड कम लास्ट मंथ। 100 कंपनीज आई थी, दे डिड अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट्स। तो कुछ 200 समथिंग दे मेड द प्लेसमेंट, लेकिन कुछ ही बचे गए। अच्छा, सो अल्टीमेटली वो जो नहीं गया वो बोलेगा बेकारी है, जो गया वो बोलेगा मेरे को घर आराम से त्राउन। मतलब इफ यू वांट टू डू समथिंग, देखिए जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडीइंग इन US, उन्होंने तो घर छोड़ा ना, फॉर स्टडिंग इन यूके, जर्मनी, कनाडा में। उन्होंने तो घर छोड़ा, उन्होंने तो माँ बाप का प्यार छोड़ा, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप चूंकि रजिस्ट्रार है, यहाँ से आप एक रिसर्चर और मुहक्किक भी है, तहकीक भी करते हैं, क्या आप बैलेंस कर पाते हैं एज ए रजिस्ट्रार कि अभी भी आप पढ़ाते हैं? क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है, स्टूडेंट आसान ना यसान के एज गोज डॉक्टर नसीर इकबाल पारून, मगर या पर छुट्टी रजिस्ट्रार तुझवा हैकाम बैलेंस। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअलिटी। मैंने इस साल भी अपना सेमेस्टर कंप्लीट किया। अच्छा, मतलब पढ़ाते भी हैं? माशाल्लाह। इस वक्त मेरे 8 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, उसमें खासी मेहनत लगती है। 7-8 ने कंप्लीट किया है। देखिए, एज सुपरवाइजर आई हैव टू गाइड देम। काम तो वो खुद करते हैं, मुझे उनको बोलना है ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा पेपर लिखना है, फलानी जगह जाना है, फलानी प्रोफेसर के साथ बैठना है, 1 महीने आप वहां जाओ, 2 महीने यहाँ जाओ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग गाइडेंस, एंड माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। मतलब यू आर ऑन द क्लासेस? या, एंड आई लव टीचिंग। आपको टीचिंग पसंद है? आई लव टीचिंग, टू बी ऑनेस्ट, आई लव टीचिंग। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है यूनिवर्सिटी में? कोई ऐसा नया कोई चीज इस दिन के हवाले से? अभी प्लानिटोरियम की, वी हैव ऑलरेडी इन फैक्ट गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग में कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक वो एरिया है, ऑफसाइट कैंपस तो नहीं है, बट कुछ लेबोरेटरी फैसिलिटीज दी गई है। तो उसमें हम वी आर स्टार्टिंग एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ठीक है, स्टार्टिंग। तो द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी इन इट्स प्लेस, उसकी कुछ वो जो है फाउंडेशन वो हुई है। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी जैसे वो हो जाएगा, वी विल हैव एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप प्लस एक प्लेटफॉर्म, जैसा कि जो भी बच्चे जाएंगे एटलीस्ट वो आसमान को देख के वापस आएंगे, स्टार्स को देख के वहां से। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ये देखेंगे। यहाँ एक बात मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा इस बात की कि आने वाले दिनों में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जिस पर आपकी रहनुमाई होगी कि वो चूज़ करें, ताकि हम बेहतर एक तो कंट्रीब्यूट भी कर पाएँ और दूसरा जो रिस्क का मामला है, एम्प्लॉयमेंट का मामला है, वो भी सॉल्व हो जाए। ऐसे फील्ड्स आ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी है, क्या है ऐसी फील्ड्स जिनमें हमें आगे बढ़कर? देखिए, एक नया कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, डिजाइन योर ओन डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं DYOD। आपको खुद ही अपनी डिग्री को डिजाइन करना है। NEP 2020 के वो उसके वो गाइडलाइंस में। अब उस डिग्री में ये 4 साल का कोर्स है, आपको देखना है जो मेरे एनवायरनमेंट के इश्यूज है, यू कैन हैव दैट कोर्स। ठीक है, जो आपके मार्केट में इश्यूज है, यू कैन हैव दैट कोर्स। किसी आपके एरिया में GDP क्या हो रहा है, यू कैन हैव दैट कोर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आपके एरिया की कैसे डेवलप होगी, दैट मीन्स यू हैव टू डिजाइन योर कोर्सेज इन कंसल्टेशन विद योर प्रोफेसर। सो उससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, उससे एक बच्चे की एक हाई एक्सेलेंस हो जाएगी। ये एक वो स्पेशलाइज नहीं बनेगा बच्चा, उसी में सिर्फ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स ही पता नहीं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ है, आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, आप बैंकिंग कर सकते हैं, आप जो भी इकोनॉमिक्स के साथ रहे आप वो भी कर सकते हैं। सो DYOD इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, एंड माशाल्लाह वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट 1 ईयर। 1 साल में तो 1 सेमेस्टर ऑलरेडी आ रहा है। Our Director of Admission is issuing the very shortly one more notification. Just infrastructure इसमें कोई हैम्पर तो नहीं बन रहा? जैसे हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 30 अलग कोर्सेज डिजाइन किए, क्या यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी इनफ इक्विपमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट, वी हैव द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैंने जैसे भी पहले बता दिया, चूंकि ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, बिकॉज यू हैव डिजाइन योर डिग्री विद द नीड्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, उसमें आपका मीडिया का प्रोफेसर ऑलरेडी अवेलेबल है, और भी कई प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर आखिर में फिर एक बार आपको नेशनल स्पेस डे की खासी मुबारक हमारी तरफ से, जो नाज़रीन है उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक, और यहाँ आने के लिए पूरी टीम की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार है आपके। इंशाल्लाह रहमान आगे आपको फिर तकलीफ देंगे कभी और वसात से बात करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार जो ये होता है उसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर एक अलग प्रोग्राम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का दिन आप भी सेलिब्रेट करेंगे, जो नेशनल स्पेस डे के हवाले से अपने बच्चों को जिस तरह माजिद भी फरमा रहे थे कहीं ऐसी जगह ले जाएं या इस बारे में बात करें, ऐसी वीडियोज आज दिखाएं कि चंद्रयान क्या है, ताकि अस्त गनियाब अस्त रहनुमई इन चीजन मज सोसाइटी ते अज किस प्रोग्रामस मज दीव इजाजत। अल्लाह हाफिज़।